हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सब पार्ट जो है वो हमें निकालना है। पांच रैशनल नंबर्स इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच के, मतलब -4.5 और -2.3। इसके पहले हमने क्या किया था, इसके पहले हमें इंडिविजुअल नंबर्स दिए थे जैसे -1 और 0, तो हमने क्या किया था, इनके एलसीएम को कॉमन किया था, मतलब डिनोमिनेटर्स को सेम किया था, राइट। हमें यहाँ भी वही करना है कि पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना है, जैसे ये -4/5 है और ये -2/3 है। अब अगर मुझे 5 और 3 का एलसीएम निकालना है तो या तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 3 = 15 होता है, राइट। तो 15 इनका एलसीएम होगा। अब हमें क्या करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर में 15 आना चाहिए, ऐसे नंबर से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 को 15 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12 और ये माइनस की साइन आएगी, 5 × 3 = 15। नीचे भी वही है क्योंकि हमें एलसीएम कॉमन किया है, तो यहाँ क्या हो गया, 3 × 15 लाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे। तो ऊपर भी हमें 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10/15। अब ये दो नंबर्स तो हमें मिल गए, लेकिन इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आना थोड़ा मुश्किल है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन नंबर्स को अगेन हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो क्या होगा, हमारे नंबर बड़े हो जाएंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है हमें। इससे क्या हो जाएगा, देखिए 15 × 10 और ये -10 × 10, ये क्या हो जाएगा, 15 × 10 = 150, यहाँ भी 15 × 10 = 150, डिनोमिनेटर तो हमारे सेम आ गए, राइट। और ऊपर क्या होगा, 12 × 10 = 120 और यहाँ 10 × 10 = 100, मतलब इन दोनों के बीच में तो काफ़ी नंबर्स हैं, हमें काफ़ी नंबर्स इन दोनों के बीच में मिल सकते हैं, राइट। अगर हम इसकी एक नंबर लाइन बनाएं यहाँ पर इस तरह से, तो देखिए -100 यहाँ पर सपोज है, ये -110 होगा और ये -120, तो इन दोनों के बीच में तो काफ़ी नंबर्स मिल जाएंगे हमें, राइट। तो हमें क्या करना है, इनके बीच के नंबर्स को लिखना है। 5 नंबर्स बोले हैं, मतलब मैं ले सकती हूँ -101/150, -102/150, -103/150, -104/150, -105/150। आप भी 100 से 120 के बीच में कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, कोई भी 5 नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होंगे इन नंबर्स के बीच के। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, ये है -1/2 और 2/3। यहाँ भी हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर्स को पहले सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर्स को सेम करना है मतलब इनका एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सीधे मल्टीप्लाई कर दें। 3 × 2 = 6, मतलब ये 2 इसका डिनोमिनेटर, 3 इसका डिनोमिनेटर है, तो ये दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 2 = क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर में 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 2 × 3 = 6 होता है। अगर आपने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ क्या होगा, वापस 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, और 2 को भी 2 से करना पड़ेगा, नीचे 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से। ये क्या हो जाएगा, नीचे 6 - 3, यहाँ भी 6 और 2 × 2 = 4। अब इन दोनों के बीच के 5 रैशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर नंबर लाइन की बात करें तो देखिए 0 के बाद में 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स हैं, और इधर -1, -2, -3, राइट। तो इतने सारे नंबर्स हैं ना, देखिए 4 से -3, ये 4 और -3 के बीच में कितने, हमें 5 चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हैं। बस हमें डिनोमिनेटर यही रखना है, और ये नंबर्स को उनके नीचे जो दिए हैं उनके डिनोमिनेटर्स उनके नीचे लिखना है, और इनमें से कोई भी 5 नंबर आप लिख दीजिए। जैसे हम लिख देंगे -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, ये मैंने 5 रैशनल नंबर्स इनके बीच के लिख दिए। यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी थी कि 5 नंबर्स मिल सकते हैं, इसलिए हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया। लेकिन यहाँ पर -12 और -10 के बीच में बहुत ही कम पॉसिबिलिटी थी, 5 नंबर्स नहीं आ सकते थे, इनके बीच में सिर्फ -11 आता, इसलिए हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया, जिसके कारण ये नंबर्स बड़े हो गए,
राइट, 10 टाइम्स हो गए और फिर इसके बीच के नंबर्स हमने लिख दिए, पांच रैशनल नंबर्स, तो इसलिए मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ डायरेक्टली हमने ये पांच रैशनल नंबर्स लिख दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ है। फर्दर क्वेश्चन को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।